हाँ जी भाटे जी कहाँ हैं? ठीक है सर, मैं आपका वेट करता हूँ। ओके क्योंकि भाटिया जी बिजी थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी पेट पूजा की जाए, आखिर भूख भी बहुत लगी थी। मैंने पास की एक मिठाई की दुकान से 5 लड्डू पैक कराए। आखिर लड्डू मुझे पसंद जो है। उस दिन बहुत गर्मी थी और मैं काफी थका हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना छांव में बैठ के थोड़ा आराम किया जाए। मैंने अपने ईयरफोन्स लगाए और नॉवल पढ़नी शुरू कर दी। और तभी एक शख्स मेरे बगल में आके बैठ गया जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। खैर छोड़ो, मैं फिर से अपनी नॉवल पढ़ने में बिजी हो गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो शख्स बिना मेरी इजाजत के मेरा लड्डू उठा के खा रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने भी एक लड्डू उठाया और खाना शुरू कर दिया। मुझे ये काफी अजीब लग रहा था। ये क्या? फिर से? अब मुझे और तेज गुस्सा आया। आखिर कोई बिना मेरी इजाजत के मेरे लड्डू कैसे खा सकता है? मैंने भी एक लड्डू उठाया और खाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और साथ ही साथ बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर मैं सब कुछ भूल के फिर से अपनी नॉवल पढ़ने लगा। और तभी वो शख्स अचानक से उठा। उसने वो बचा हुआ आखिरी लड्डू उठाया और आधा मुझे दिया, आधा खुद खा गया। मानो वो मुझ पे कोई एहसान कर रहा हो। मुझे ये देख के बहुत तेज गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मैं करूं तो क्या करूं। खैर मुझे लगा मुझे अब चलना चाहिए। ये क्या? ये लड्डू का पैकेट तो मेरा था। इसका मतलब अब तक मैं उस शख्स के लड्डू खा रहा था और उसने मुझे एक बार भी टोका तक नहीं। आज मुझे एक सीख मिली थी कि शायद पैसों में मैं उससे बड़ा था लेकिन दिल उसका बड़ा था।